हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमिवे के बारे में। तो एमिवे ने अपनी सेकंड स्टूडियो एल्बम अनाउंस कर दिया, तो फिलहाल तो ये कमिंग सून है। तो जैसे ही कुछ और डिटेल्स पता चलती है इस एल्बम से रिलेटेड, मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं इसके लिए, जरा कमेंट्स में बताओ। तो अब बात कर लेते हैं डीनो जेम्स के बारे में। तो जैसे कि कुछ टाइम पहले डीनो जेम्स ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने ऑटो ट्यून यूज करा था और एमसी स्टैन को पोक करा था। तो रिसेंटली वो अपने इंस्टाग्राम से लाइव आए थे रेड एफएम इंडीज के साथ में, तो वहां पे उनसे इसी चीज के बारे में पूछा जाता है, तो उनका कुछ ऐसा रिप्लाई था। आपने आई थिंक इंसान जब भी ड्रॉप हुआ था उसके बाद आपने कुछ तो एक चीज बना के डाली थी। इट वाज फॉर आई थिंक एमसी स्टैन और इट वाज एनीवे बंटा, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई यू लाइक ब्रो नो व्हाट। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला, ऑल द पीपल, यार मुझे पहली बात तो क्या यार ऑडियंस को ना पब्लिक को लफड़े हो तो बहुत मजा आता है। नंबर वन तो नेचुरल है यार, कहीं लफड़े हो रहे, कोई कुछ भी हो रहा, मारपीट होती है, आप भी पर्दा और धाटा के नीचे, मैं यहीं पर रहता हूँ परसों, तो यहाँ कुछ ना कुछ चालू रहता है, तो मैं हटा कर देखता हूँ एंटरटेनमेंट। सो आई अंडरस्टैंड पीपल लव टू टॉक अबाउट ईच अदर, लव टू यू नो भिड़ा 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 भिड़ा। अब जब ऐसा देखा जाए तो फालतू रैपर इट्स ऑल अबाउट, इफ यू सी फालतू रैपर, जहां पर मैं कैरिकेचर्ड वर्जन ऑफ ऑल द रैपर्स कर रहा हूँ, तो वो तो कोई भी रैपर डिफरेंट, और ये रैप का कल्चर है ब्रो। और पहली बात तो मेरे लोग, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया, और व्हाई वुड यू वांट टू टेक इट पर्सनली जब मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल, किसी का ना, वो पब्लिक ने एक चीज क्रिएट कर दी कि नहीं यार इसने एमसी स्टैन के बारे में बोल दिया, मैं क्यों बोलूंगा यार, आई एम डूइंग हिज ओन जॉब, आई एम डूइंग माय ओन थिंग, यू नो आई डिड समथिंग आउट। मेरे ख्याल से ऑटो ट्यून को लेकर उसने बोला होगा कि यार मैंने ऑटो, राइट राइट, सो नो नो, आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस दैट यू नो आई हैवन सी, इट विल बी अ लाई दैट इफ आई से दैट आई लिसन टू एवरीथिंग, क्योंकि अपना इंस्पिरेशन बाहर से, तो अपन ज्यादा गाने बाहर के सुनते हैं। Right, किसी right. की फैन फॉलोइंग होना, कोई भी आगे बढ़ रहा है, गुड फॉर हिम ब्रो, आई मीन यू नो, बट इट्स नथिंग, ऑल लव टू एमसी स्टैन, इफ पीपल यू थिंक, हमारे जो मन की बात है ना, तुम लोग जो चाह रहे हो कि दो आर्टिस्ट लोग आपस में भिड़ जाए, अभी तो नहीं होने वाला, मुझे लगता है वो भी अच्छा ट्रिप एल्बम गाने बनाने में, मैं भी बहुत लगा हूँ अपने गाने बनाने में, फिलहाल तो ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला है तुम लोग को, मेरे तरफ से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऑल लव। एनीवेज, नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो मुफाड़ के जो कुछ पुराने ट्रैक्स है वो अभी स्पॉटिफाई से हट चुका है, तो इस चीज के बारे में मुफाड़ कुछ ऐसा लिखता है, थैंक यू बताने के लिए कि स्पॉटिफाई पे मेरे काफी सारे गाने नहीं मिल रहे हैं, गाने वापस आ जाएंगे एक तरोताजा खबर के साथ, धैर्य रखें, ऑल द ट्रैक्स रिलीज फ्रॉम बी एम मुफाड़ आर डाउन फॉर सम रीजन, असुविधा के लिए खेद है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जी के बारे में। तो एग्जी की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली है कुछ ऐसी, I know I'm supposed to feel all great and empowered on Women's Day, but I don't. It's been 10 months, I've not released a track. I'm stuck on my release due to other people. I feel like I'm on the edge of losing my shit. I shouldn't even post my feelings cause I'm supposed to be a public figure, but that's how I feel. Don't test me anymore, everyone has a breaking point. तो अब बात कर लेते हैं मुक्ता के बारे में। तो मुक्ता के भी कुछ स्टोरीज डालती हैं और कुछ ऐसा लिखती हैं, इफ यू आर असाइंड विद अ एजेंसी यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इफ यू आर ऑन अ पेरोल विद अ एजेंसी यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इफ अ बिग लेबल इज सपोर्टिंग यू यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, यू आर एन इंडस्ट्री प्लांट, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ड टू देम इंडस्ट्री प्लांट। अब हर इंटरव्यू में यही बोलेंगे, बट इट्स द ट्रूथ, ओनली सम आर्टिस्ट आई नो इन इंडिया हैव मेड इट ऑन देयर ओन, रेस्ट आर जस्ट इंडस्ट्री प्लांट्स, दे हैव सोल्ड देयर ट्रैक्स, दे डोंट हैव टू हैंडल देयर ओन मार्केटिंग, देयर सोशल प्लेटफॉर्म्स आर हैंडल्ड बाय कंपनीज, इट्स नॉट अ बैड थिंग दो, बट डोंट कॉल योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो अब बात कर लेते हैं बोहेमिया पाजी और जे हिंद के बारे में। तो बोहेमिया की तरफ से कुछ स्टोरीज देखने को मिली है जिसमें वो अपनी न्यू चेन फ्लैक्स करते हैं। Oh, it's so big, it should be two different necklaces, bro. You want to wear it on two necklaces? Yeah, it's too big. All right, let me fix that for you. One second. You gonna break it? I'll just break it off. Broke it in half. Look, hold on. There you go, bro. Oh, wait, you want to wear it with one necklace? Nah, I just want to wear one. All right, hold on. I want to take this off. There you go, bro. Never been done in the world before. Dada did it first. Yeah, it's much better. तो अब बात कर लेते हैं शारे अख्तर के बारे में। तो शारे ने अपनी एल्बम अनाउंस कर दिया जिसका नाम है अटैचमेंट्स और इसमें है टोटल 12 ट्रैक्स, तो इसके लिए आप लोग इंतजार कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। तो बादशाह का भी तबाही ट्रैक आउट हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते कृष्णा के बारे में।
तो कृष्णा का जो 10th को ट्रैक आने वाला है उसका नेम रिवील हो चुका है। तो गाने का नेम है ब्लोइंग अप और कुछ ऐसा पोस्टर होने वाला है इसका। तो फिलहाल प्री सेव्स इसके स्टार्ट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं सात बंटाइज के बारे में। तो सात बंटाइज ने भी अपना एक ट्रैक अनाउंस कर दिया जिसका नेम है होल स्क्वाड और ये देखने को मिलेगा कल। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।